नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। आईसीसी ने भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह पर पेनल्टी लगाई है। रविवार को हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान बुमराह इंग्लिश बल्लेबाज ओली पोप से जान पूछकर टकरा गए थे। काउंसिल के मुताबिक बुमराह ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का उल्लंघन किया है और इसके लिए उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया। पेनल्टी के तहत कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया गया है। 24 महीने के भीतर अगर 4 डीमेरिट पॉइंट मिलने पर खिलाड़ी पर एक मैच का सस्पेंशन लग जाता है। बुमराह ने अपनी गलती मान ली है और आईसीसी एलिट पैनल ऑफ मैच के रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा उन पर लगाई गई सजा को भी स्वीकार कर लिया है। घटना टेस्ट के चौथे दिन 81वें ओवर में घटी। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप ने बुमराह की बॉल पर शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद उनके पैड से टकराई और लेग वाई हो गया। जैसे ही वह सिंगल लेने के लिए दौड़े, बुमराह पोप के रास्ते में आ गए। इस दौरान पोप और बुमराह के कंधे टकराए और दोनों के बीच बात भी हुई। बाद में बातचीत जारी रहने के बाद बुमराह पोप से माफी मांगते नजर आए थे। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक भले ही अनजाने में भी लापरवाही से चलने या दौड़ने या किसी अन्य खिलाड़ी को टकराने के अलावा कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर आईसीसी लेवल 1 का उल्लंघन माना जाता है। वहीं अंपायर के साथ ऐसा करने पर लेवल 3 का उल्लंघन होता है। लेवल 1 और लेवल 2 के उल्लंघन पर 1 से 2 डीमेरिट पॉइंट के साथ 0 से 50% मैच फीस लगती है। लेवल 3 के उल्लंघन करने पर 6 टेस्ट और 12 वनडे का सस्पेंशन मिलता है। बुमराह पर 1 डीमेरिट पॉइंट का जुर्माना लग गया है। इसी घटना के बाद बुमराह ने ही पोप का विकेट लिया। चौथे दिन 103वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली गेंद बुमराह ने स्लोअर फेंकी, इसे पोप जज नहीं कर पाए और फुल लेंथ पर आई बॉल पर रिवर्स स्कूप मिसटाइम कर दिया। बॉल उनके बल्ले से नहीं लगी और सीधे ऑफ स्टंप पर लग गई। दूसरी पारी में पॉप बोल्ड हो गए। इसी के साथ इंग्लैंड की दूसरी पारी भी समाप्त हो गई थी। जी हाँ, डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। आईसीसी ने बुमराह पर लगाई पेनल्टी, नियम के उल्लंघन पर दिया 1 डीमेरिट पॉइंट।